सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ 3 सीखो। ये पाठ एक कविता के माध्यम से बताई गई है। इसके जो कवि है उनका नाम है श्रीनाथ सिंह। उन्होंने प्रकृति के संसाधनों से हमें क्या क्या शिक्षा लेनी चाहिए उसके बारे में इसमें बताया गया है कि प्रकृति के जो साधन है वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, उनसे हमें क्या क्या सीख लेनी चाहिए। प्रकृति के संसाधन कौन कौन से हैं, जैसे सूरज, नदी है ना, फूल, पेड़, तो ये सब हमें कोई ना कोई शिक्षा देते हैं उसके बारे में इस पार्ट में बताया गया है। और मैं आशा करती हूँ कि आप इनसे शिक्षा लोगे और इनके जो भी गुण है अपने जीवन में उतारोगे। तो हम पाठ शुरू करते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भोरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तो अब फूलों से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। जिस प्रकार फूल हमेशा हंसते रहते हैं उसी प्रकार वो हमें शिक्षा देते हैं कि हमें भी हमेशा हंसते रहना चाहिए। भोरों से नित गाना, भोरों यानी कि भौवरे, भौवरे हमेशा हम देखते हैं कि भौवरे हमेशा गुनगुनाते रहते हैं, तो हमें भी उन्हीं की तरह हमेशा गुनगुनाते रहना चाहिए। वो हमें सीख देते हैं कि हमें चाहे कोई दुख हो तो भी हमें हमेशा उसमें गुनगुनाते रहना चाहिए। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, जो पेड़ होते हैं उनकी जो झुकी हुई डालियाँ होती है वो हमें शिक्षा देते हैं कि हमें हमेशा नतमस्तक रहना चाहिए, हमें हमेशा झुककर रहना चाहिए, हमें विनम्र बनकर रहना चाहिए। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, हमें हवा के झोंकों से हमेशा कोमल भाव बहाते रहना चाहिए। जिस प्रकार हवा हमेशा कोमल भाव की तरह बहती रहती है उसी प्रकार हमें भी दूसरों के प्रति हमेशा कोमल भाव रखना चाहिए, यही सीख हमें हवा देती है। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना, हम देखते हैं कि दूध और पानी को अगर किसी तरह मिला दिया जाए तो वो एक सार हो जाते हैं, तो ये हमें यही शिक्षा देते हैं कि हमें भी हमेशा मिलना और मिलाने का भाव हमेशा मेरे मन में रखना चाहिए। जिस प्रकार दूध और पानी मिलना और मिलाने का काम करते हैं उसी प्रकार हमें भी उनसे यही सीख लेनी चाहिए। दूसरों के जीवन में हमें हमेशा खुशियाँ लानी चाहिए, जिस प्रकार वो मिलकर एक सार हो जाते हैं वैसे ही हमें भी दूसरों से मिलकर एक सार हो जाना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। तो सूरज की किरणें हमें क्या सीख देती है, जैसे ही सूर्य उदय होता है हम जग जाते हैं और दूसरों को भी हम जगाने लग जाते हैं, तो ये हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हमें भी जागरूक होना चाहिए और दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए। जिस प्रकार सूरज अपनी किरणों से खुशियाँ फैलाता है उसी प्रकार हमें भी जागृत होना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, लता और पेड़ हमें क्या शिक्षा देते हैं कि हमें सबको गले लगाना चाहिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सभी के सुख दुख में हमें काम आना चाहिए, यही शिक्षा हमें लता और पेड़ देते हैं। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। अब मछली हमें क्या सिखाती है कि हमें अपने देश के लिए अगर हमारे प्राणों का बलिदान भी करना पड़े तो हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। जिस प्रकार मछली पानी में रहकर अपने प्राणों को त्याग देती है क्योंकि वही उसका स्वदेश है, वही उसका देश है, तो उसी प्रकार हमें भी अपने देश के लिए अगर मर मिटना भी पड़े तो हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, यही शिक्षा हमें मछली से प्राप्त होती है। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना, जब पतझड़ के समय पेड़ों की सारी पत्तियाँ निकल जाती है, सारी पत्तियाँ झड़ जाती है, तो उस समय वो दुख माना गया है, तो वो जिस प्रकार दुख में धीरज धरता है, सब्र रखता है, उसी प्रकार हमें भी दुख में धीरज रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, सब्र रखना चाहिए, यही हमें पतझड़ के पेड़
सिखाते हैं। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। अब दीपक से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दीपक हमेशा अंधेरे को हर कर हमें प्रकाश देता है, तो उसी प्रकार हमें भी अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाना चाहिए। जिस प्रकार दीपक उजाला फैलाता है, उसी प्रकार हमें भी अपने ज्ञान की रोशनी से प्रकाश फैलाना चाहिए। यही शिक्षा हमें दीपक देता है। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। अब पृथ्वी से ये धरती माता हमें क्या सीख देती है? जिस प्रकार ये धरती माता हमारी सच्ची सेवा करती है, उसी प्रकार हमें भी सच्ची सेवा करनी चाहिए। अगर किसी को हमारी मदद की ज़रूरत है तो हमें उसे अपने अहम में आकर नहीं, निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी भी बदले में हमसे कुछ भी नहीं मांगती है। उसी प्रकार जिस प्रकार वो निस्वार्थ भाव से प्राणियों की सेवा करती है, उसी प्रकार हमें भी निस्वार्थ भाव से जिसको हमारी ज़रूरत होती है हमें उसकी सेवा करना चाहिए। जल धारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। जिस प्रकार जल की धारा जीवन पथ पे आगे बढ़ती जाती है, वो रुकती नहीं है। जो पानी की धारा आपने देखी है ना, कि पानी लगातार बहता रहता है, वो कभी भी पीछे नहीं जाता है, हमेशा आगे की तरफ ही बढ़ता है। तो जल की जो धारा होती है वो हमें शिक्षा देती है कि हमें भी अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें पीछे नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें अपने जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। आपने देखा है कि जब धुआं निकलता है तो वो ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है, वो नीचे नहीं आता है। तो हमें भी धुएं की तरह ही ऊंचाई पर बढ़ना चाहिए, ना कि हमें नीचे जाना चाहिए। जिस प्रकार धुआं हरदम हमें सिखाता है कि हमें ऊंचे बढ़ना चाहिए, उसी प्रकार हमें भी नीचे नहीं जाना चाहिए और ऊंचे बढ़ते रहना चाहिए। तो आपने देखा है कि इस पाठ में हमने फूलों से, भंवरों से, है ना, पेड़ों की डालियों से और हवा से, दूध और पानी से, सूरज से, लता और पेड़ों से, मछली से, पतझड़ के पेड़ों से, दीपक से, पृथ्वी से, जल की धारा से और धुओं से हमने क्या क्या सीख लिए, तो उसे ही हमारे जीवन में हमें उतारना है। ये जो प्रकृति के साधन हमें शिक्षा दे रहे हैं, हमें वो सब शिक्षा ग्रहण करनी है। तो इस पाठ के जो लेखक है वो थे श्रीनाथ सिंह, जिनका जन्म 1901 में हुआ था। इन्होंने और भी कई उपन्यास और कहानियाँ लिखी है। बच्चों के लिए उन्होंने बड़े सुंदर बाल गीत भी लिखे हैं, जैसे गुब्बारा, दोनों भाई, बाल भारती, लंपा चंपा, मीठी ताने, दीप हरी और बाल कवितावली। इन्होंने ऐसी कविताएं बच्चों के लिए लिखी है जिससे कि बच्चे उससे शिक्षा प्राप्त कर सके। अब मैं आशा करती हूँ कि आपने इस पाठ से जो भी सीखा है अपने जीवन में उसे उतारोगे। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों को हम हल करेंगे। आपको अपनी कॉपी में जो PDF भेजे जा रहे हैं आपके, आपको अपनी कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। तो ये पार्ट 3 सीखो। सबसे पहले इसमें शब्दार्थ दिए गए हैं। नित, नित का अर्थ होता है हमेशा या सदा। अगला है तरु, तरु का मतलब होता है पेड़ या वृक्ष। अगला है कोमल भाव, इसका अर्थ होता है मधुर भावना। अगला है लता, लता का अर्थ होता है बेल। स्वदेश, स्वदेश का अर्थ होता है अपना देश, जैसे कि हमारा देश क्या है, भारत। पतझड़, पतझड़ का अर्थ होता है पत्तों का जड़ना या एक मौसम जिसमें पत्ते जड़ते हैं, ये भी एक मौसम का नाम है, पतझड़ का मौसम। हम देखते हैं ना, इस मौसम में पेड़ों के सारे पत्ते नीचे गिर जाते हैं। धीरज, धीरज का अर्थ होता है धैर्य या सब्र। अगला है हरना, हरना का अर्थ होता है दूर करना या मिटाना। अगला है
पृथ्वी, पृथ्वी का अर्थ होता है धरती। अगला है प्राणी, प्राणी का अर्थ होता है जीव। पथ, पथ का अर्थ होता है राह। अगला है जलधारा, जलधारा का अर्थ होता है पानी की बहती हुई धार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, लता और पेड़ों से क्या सीख मिलती है? इसका उत्तर है, लता और पेड़ों से हमें सबको गले लगाने की सीख मिलती है। अगला प्रश्न है, सच्ची सेवा की भावना किससे मिलती है? इसका उत्तर है, सच्ची सेवा की भावना पृथ्वी से मिलती है। जिस प्रकार पृथ्वी निस्वार्थ भाव से सेवा करती है, उसी प्रकार हमें भी पृथ्वी की सच्ची सेवा की भावना को समझना चाहिए और उससे ये शिक्षा लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, धुआं हमें क्या सिखाता है? उत्तर है, धुआं हमें ऊंचाई पर चढ़ना सिखाता है। अगला प्रश्न है, सही उत्तर चुनिए और सही का चिन्ह लगाइए। इसमें चार विकल्प दिए हुए हैं, तो उसमें से हमें सही पर निशान लगाना है। फूलों से क्या सीखना चाहिए? चिल्लाना सीखना चाहिए, रोना सीखना चाहिए, हंसना सीखना चाहिए या सोना सीखना चाहिए? तो हमें फूलों से क्या सीखना चाहिए? हंसना। तो हंसना पर हम सही का चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न है, कौन क्या सिखाता है? ये हमें बताना है कि इसमें कौन हमें क्या सिखा रहा है। कि जैसे कि अंधेरा हरना, अंधेरा हरना हमें कौन सिखाता है? दीपक, है ना। दीपक हमको अंधेरे को मिटाना सिखाता है। स्वदेश के लिए मरना, अपने देश के लिए मर मिटना हमें कौन सिखाता है? मछली। आगे बढ़ना, हमें हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ना कौन सिखाता है? जलधारा, जलधारा हमें हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ना सिखाती है। दुख में धीरज रखना, दुख में हमें धैर्य रखना चाहिए, ये हमें कौन सिखाता है? पतझड़ के पेड़। जिस प्रकार पतझड़ के पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं फिर भी वो धीरज रखते हैं, उसी प्रकार हमें भी दुख में धीरज रखना चाहिए। सबको गले लगाना, ये हमें किससे शिक्षा मिलती है? लता और पेड़ से। लता और पेड़ हमें सबको गले लगाने की शिक्षा देते हैं। सेवा करना, सेवा करना हमें कौन सिखाता है? पृथ्वी, ये धरती माता हमें सेवा करना सिखाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। इनमें अर्थ जिसके समान अर्थ होते हैं वो वाले शब्द हमें इसमें लिखना है। इसे हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। जैसे कि तरु, तरु को हम और क्या क्या कह सकते हैं? तरु को हम पेड़ कहते हैं, वृक्ष कहते हैं, क्योंकि इन दोनों के अर्थ समान होते हैं। अगला है फूल, फूल को हम और क्या कहेंगे? सुमन कहेंगे, कुसुम कहेंगे, क्योंकि सुमन कहोगे तो भी उसका अर्थ फूल होगा, कुसुम कहोगे तो भी उसका अर्थ फूल होगा। तो इन्हें हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, चाहे समान अर्थ वाले शब्द को या पर्यायवाची शब्द को। पानी, पानी को और क्या कहेंगे हम? जल, नीर, है ना। अगला है हवा, हवा को हम और क्या कहते हैं? वायु कहते हैं, पवन कहते हैं, है ना, समीर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, आम के चित्र में कुछ शब्द छिपे हैं, उदाहरण के अनुसार उन्हें खोजकर लिखना है। तो चित्र में एक शब्द छिपे हुए हैं तो हमें वो शब्द मिलाकर लिखना है। आप देख रहे हो ना, ये आम का चित्र बना हुआ है, इसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं, तो हमें उन शब्दों को सही से लिखना है, ठीक है। जैसे कच्चा, कच्चा का क्या होगा? कच्ची। नन्ही, इसको ऐसे कैसे लिखना है क्योंकि दोनों में एक ही शब्द दिया हुआ है, नन्ही। अच्छा, अच्छा का हम लिखेंगे अच्छी। खट्टा, खट्टा का हम लिखेंगे खट्टी। डंडा, डंडा का हम लिखेंगे डंडी। अगला है पक्का, पक्का का हम लिखेंगे पक्की। तो ये आपका पाठ यहीं पर समाप्त हो गया है। ये जितने भी प्रश्न उत्तर मैंने करवाए हैं वो सब आपको अपनी कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। धन्यवाद।